नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर कोई व्यक्ति ये चाहता है, जानना चाहता है कि आने वाला वर्ष मेरे लिए क्या खुशियां लेके आ रहा है, क्या परेशानियां लेके आ रहा है, किन किन बातों की सावधानियों की आवश्यकता है। तो कन्या राशि वालों का 2023 का फलादेश वो देने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है, कन्या राशि वालों को कोई शनि की ढैया नहीं है, कोई साढ़े साथी नहीं है। और 17 जनवरी को शनि अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि के अंदर चले जाएंगे। तो शनि आपके ऋण, रोग और शत्रु इनको समाप्त करेंगे, जड़ से समाप्त कर देंगे। अगर पहले के चले आ रहे कोई रोग हैं तो वो आपके मिट सकते हैं, कर्जे हैं मिट सकते हैं, शत्रु हैं वो मिट सकते हैं, अदालती कोई आपकी जो है केस चल रहे हैं तो उनके अंदर भी आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। अब बृहस्पति जो हैं वो आपके सप्तम स्थान में हैं, तो कन्या राशि वाले, कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले और मीन राशि वाले, इनके लिए शादी संबंध के योग बनेंगे, सगाई संबंध के योग बनेंगे, वैवाहिक जीवन सफल रहेगा, पति पत्नी के बीच अच्छे तालमेल रहेंगे, अच्छा प्रेम रहेगा। और यही बृहस्पति आपके स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे, बुद्धि को निर्मल रखेंगे, धार्मिक जो है विचार रहेंगे, धर्म कर्म के अंदर आपको जो है पूरा बृहस्पति का सहयोग प्राप्त होगा, आपके पराक्रम की वृद्धि होगी, आपके लाभ की वृद्धि होगी, यानी पैसे का प्रचुर लाभ इस वर्ष आपको होने वाला है। लेकिन राहु अष्टम स्थान में है बंधुओं, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है या बालक है या वृद्ध है, ये फलादेश सभी के लिए है। अब किसी को कितना परसेंट, किसी को कितना परसेंट, ये केवल मात्र एक राशि के ऊपर आधारित होता है। दशाएं अलग काम करती हैं, कुंडली का फलादेश अलग होता है और सबको मिला करके उसका निचोड़ जो है वो दिया जाता है। लेकिन राहु अष्टम स्थान के अंदर आकस्मिक कोई ना कोई विपत्ति पैदा करने वाले होते हैं, दुर्घटना पैदा करने वाले होते हैं। कोई भी जगह पर समाज के अंदर हमारी प्रतिष्ठा को ये गिराने वाला होता है। गुप्तांगों और गुदा के अंदर कहीं कोई रोग उत्पन्न करने वाला होता है, कोई छोटी मोटी सर्जरी भी जो है ये करवा सकता है। लेकिन धन कोष को भी जो है ये हटाने वाला या कम करने वाला या खर्च करवाने वाला होगा। प्रॉपर्टी का कोई ना कोई विवाद उत्पन्न कर सकता है, माता के स्वास्थ्य को जो है गिरा सकता है, आपके यश में कहीं कमी ला सकता है। अब इसके साथ साथ अब मैं आपको मासिक फलादेश की तरफ लेकर के चलता हूं। देखिए, जनवरी का महीना आपके लिए सुखद रहेगा, विद्यार्थियों के लिए सुखद रहेगा। और जनवरी के महीने में ही 14 जनवरी के बाद जो ही मकर संक्रांति आती है, इसके पश्चात आपको कोई विजय की प्राप्ति होगी, शत्रु आपके परास्त होंगे, रोगों से मुक्ति मिलेगी और कर्जों से भी मुक्ति के रास्ते आपको मिल जाएंगे। फरवरी के महीने के अंदर ये स्थिति पैदा हुई, मार्च के महीने के अंदर पति पत्नी में थोड़ा सा टकराव हो सकता है, उसका ख्याल रखें। व्यापार में थोड़ा सा उथल पुथल हो सकता है, उसका ख्याल रखें, लेकिन नुकसान होने की संभावनाएं बहुत कम हैं। अब अप्रैल के महीने के अंदर आपको सावधान रहना होगा, कोई भी प्रकार से आपको सावधान जो है रहते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य आपका डगमगा सकता है।
आप रोगी हो सकते हैं, कोई दुर्घटना की प्राप्ति आपको हो सकती है, लेकिन जून का महीना आपके लिए सफल यात्राओं का होगा, लंबी यात्राओं का होगा। हो सकता है वो यात्रा विदेश से भी संबंधित हो, लेकिन उन यात्राओं के अंदर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जून के पश्चात जुलाई के अंदर आपको कोई ना कोई उन्नति की प्राप्ति होगी, पदोन्नति की प्राप्ति होगी, या आपको राजकीय लाभ होगा, या आपकी नौकरी लग सकती है। पिता से लाभ, पिता से आशीर्वाद की प्राप्ति होगी, राज्याधिकारियों से, राजनेताओं से कृपा की प्राप्ति होगी। जुलाई के महीने के अंदर अनायास लाभ होगा, लेकिन अगस्त खर्चों का है, नुकसान का है, सावधान रहें। उस समय पर कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई खर्चा ना करें, वरना वो आपके लिए दुखदायी हो जाएगा। सितंबर का महीना आपके लिए थोड़ा सा मन के अंदर उद्विग्नता लाएगा। अक्टूबर के महीने के अंदर परिवार में विग्रह हो सकता है, टकराव हो सकता है, धन खर्च हो सकता है, धन का नुकसान हो सकता है, बंटवारा हो सकता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और समय को गुजारें। नवंबर के महीने के अंदर आपको विजय मिलेगी, भाइयों से लाभ होगा, समाज में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, यश बढ़ेगा, अच्छे मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। और उसके साथ दिसंबर के महीने के अंदर कुछ प्रॉपर्टी विवाद पुनः हो सकता है, लेकिन सुलझ भी जाएगा। और दिसंबर के पश्चात फिर आगे आने वाले साल की सूचना फिर आपको आगे देंगे। लेकिन अब एक बात है, इस ये जो राशिफल बताया जा रहा है, जन्म की राशि के ऊपर, चंद्र राशि के ऊपर बताया जा रहा है। आप अपने नाम के हिसाब से आप देखेंगे, कई लोगों के कमेंट आते हैं कि ये हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपकी जन्म की राशि नहीं है। तो जन्म की राशि के ऊपर आधारित है, तो आप और कोई विशेष जानकारियों की आवश्यकता आपको है तो पांच चीज़ों की ज़रूरत है। जन्म की तारीख, महीना, सन, समय और जन्म स्थान, ये आपके पास में है। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करें, अपॉइंटमेंट लें, कार्यालय की सेवाएँ अर्पण करें और अपनी सेवाओं को प्राप्त करें। नमस्कार।